नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में जुगाड़ी रिक्शाओं पर चला प्रशासन का पीला पंजा। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद सहित सभी ग्रामीण अंचलों में प्रशासन द्वारा जुगाड़ वाहनों पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा सख्त आदेश है कि जुगाड़ वाहन अगर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाए। इसी के चलते कस्बा गोवर्धन में एसडीएम और सीओ गोवर्धन के नेतृत्व पर जुगाड़ रिक्शाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। यहां सड़क पर घूम रही जुगाड़ी रिक्शाओं को पुलिस और प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला नष्ट किया गया, जिससे कस्बा में जुगाड़ रिक्शा चालकों में भगदड़ मच गई। गौरतलब है कि पुराने दोपहिया वाहनों का इंजन इस्तेमाल करके बनाए गए जुगाड़ वाहनों की न तो कोई रजिस्ट्रेशन होती है, न ही इन पर कोई नंबर प्लेट है। ऐसे जुगाड़ वाहनों का इस्तेमाल सामान ढोने और सवारी बैठाने के लिए किया जाता है, जिसे चलाने वालों के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। ये वाहन सड़कों पर बड़े हादसों का कारण बनते रहे हैं। हादसे की स्थिति में भी पुलिस के लिए ऐसे जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर पाना कठिन होता है, क्योंकि इन वाहनों का संबंधित क्षेत्र के आरएलए में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वही जनपद की सड़कों पर दौड़ रहे जुगाड़ वाहनों की समीक्षा करने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इन वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट।